एक सोच है जो दिल से निकली है, जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए वो जुबान से निकली हुई हर एक दुआ कबूल होती है। तीन किस्म के इंसान तीन किस्म की चीजों से जिंदगी भर महरूम रहेंगे। पहला, गुस्से वाला सही फैसलों से। दूसरा, झूठा इज्जत से। और तीसरा, जल्दबाज कामयाबी से। हम इंसान मुश्किल तो देखते हैं और सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं और भूल जाते हैं उसके साथ आने वाली ढेरों आसानियों को। झूठा कभी इज्जत नहीं पा सकता, चाहे उसकी पेशानियों से जान नमोदार हो जाए, और सच्चा कभी इज्जत नहीं खो सकता, चाहे उस झूठे पर हजारों लोग तालियां भी बजाएं। कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। किसी एक को दिए गए प्यार सम्मान और इज्जत को बेवकूफी कभी नहीं समझना चाहिए, वरना एक दिन तुम इसी प्यार सम्मान इज्जत को इस दुनिया में ढूंढते रहोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। सीखने वालों के रास्ते हजार और ना सीखने वालों के बहाने बेशुमार। अगर मगर लेकिन गरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुतलफ हो जाता है वो जल्दी से बाहर नहीं आता। इंसान की परेशानियों की वजह दो बातों से, एक कि वो तकदीर से ज्यादा चाहता है और दूसरी कि वक्त से पहले चाहता है। जिस इंसान के दुश्मन कोई ना हो और सब दोस्त हो, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उनके होते हैं जो हक की बात करते हैं। दुख के समय पछतावे के आंसू कभी मत बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे तुम्हारे खुदा ने आजमाइश के काबिल समझा है। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत पर असल में खतरनाक। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत हो सकती है, पर उनको संभाल के रखना तुम्हारा हुनर हो सकता है। अपनी जिंदगी के गुजरते बुरे दौर में एक बात तो अच्छी होती है कि हम उन चेहरों को पहचान लेते हैं जो जिंदगी भर ये दावा करते थे कि हम आपकी परवाह करते हैं। सिकवे तो सभी को है इस जिंदगी से, मगर जो मौज से जीना चाहते हैं वो शिकायत नहीं करते। आईना पहले जब उठाया करो तो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप जाहिलों के बीच में घिरे हुए हो। चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं, क्योंकि जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा चुप रहता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और जब कुदरत इंतकाम लेती है तो कुदरत से बुरा कोई नहीं होता। खामोश रहना ही बेहतर है इस जमाने में, वरना लोग बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल, आई होप कि आपको पसंद आया हो। छोटा सा एक वीडियो, छोटी सी एक कोशिश सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो को केवल एक मोटिवेशनल वीडियो समझे। अगर आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो इसको जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।